हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामीज़ किचन। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ दिल्ली के सबसे फेमस राम लड्डू की रेसिपी। तो आज जो राम लड्डू है वो हम घर पर ही बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। और अगर आप सभी ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो हमारी छोटी सी ये यूट्यूब की फैमिली है ना, ये और भी बड़ी हो सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कप मूंग दाल ले ली है। मूंग दाल को हमें अच्छे से 3-4 बार पानी में वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको हम पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। आप इस दाल को पानी में ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको गर्म पानी में 2-3 घंटे भी भिगो कर रखेंगे तो अच्छे से फूल जाएगी। जब तक हमने ये दाल भिगोई है तब तक हम चटनी भी प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मुट्ठी धनिया ली है, थोड़े से मूली के पत्ते, 3 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी पालक सेव की ली है। आप शायद कोई भी सेव ले सकते हैं, इससे टेस्ट जो है बिल्कुल मार्केट वाली चटनी जैसा आता है। हमें इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने दही भी लिया है, दही हमें 3 चम्मच ऐड करना है इसमें। अगर आपको चटनी और खट्टी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा इमली का पानी या तो फिर थोड़ा सा नींबू ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारी चटनी हो चुकी है रेडी। और देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल मार्केट वाली चटनी जैसा। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 4 मिर्ची आराम से ऐड कर सकते हैं। और अब हम बनाएंगे राम लड्डू। हमने जो ये दाल भिगो कर रखी थी उसका पानी मैंने साइड पर निकाल लिया था। और ये देखिए दाल अच्छे से फूल चुकी है, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। और इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अगर आपको लगे कि ग्राइंड नहीं हो रही अच्छे से, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा मत कीजिएगा नहीं तो लिक्विड ही हो जाएगी बिल्कुल। अगर लिक्विड ही होगी तो फिर ये फूले फूले राम लड्डू नहीं बनेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया था, अराउंड 2 चम्मच, और थोड़ी सी धनिया, हरी मिर्ची और अदरक। अब इस मिक्सचर को हम एक एक करके कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। लड्डू को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है, हाई भी नहीं करना, नहीं तो ये बाहर से अच्छे से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और लीजिए, हमारे राम लड्डू तो हो चुके हैं रेडी, हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया था। और अब इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मूली के पत्ते और मूली अच्छे से कद्दूकस करके ऐड कर दी थी। और इस पर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और लास्ट पे इसके ऊपर हम थोड़ी सी चटनी भी ऐड कर देंगे जो हमने बनाई थी। और लीजिए, हमारे राम लड्डू हो चुके हैं रेडी। देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। आई होप आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।